जैसी भाई यार ये लोकेशन तो ना वो कैसी अपने भी हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। ये क्या था पहला नॉमे शो में, मैं आपका भाई जस्सी। मेरे साथ हैं मेरे ब्रदर इन लॉ स्वर्ण बराड़ और कैमरे पे हैं हमारे भाई जय। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से और आपके प्यार से हम भी ठीक हैं। काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है कोई वीडियो दोस्तों हमारे चैनल पे नहीं आई। आपको मेरी आवाज़ से थोड़ा पता लग रहा होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हो मेरी तबीयत ख़राब थी कुछ अभी भी ख़राब है, हल्का सा जुकाम है, बाकी सब ठीक है। पहले बुखार था तो इस वजह से वीडियोस नहीं आ रही थी। कुछ हमारी वीडियोस एडिट करने वाली पड़ी हैं, वो भी एडिट नहीं हो पाई हैं और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी उनको एडिट कर लूँगा। तो आज एक लोकेशन पे हम आए हैं, मेरे साथ मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, इनके एक भाई हैं जिन्होंने हमें यहाँ पर आने के लिए सजेस्ट किया था। ये हॉन्टेड हाउस है, अभी लोकेशन बहुत लंबी है, पीछे से घूम के जाएंगे तो ये सिर्फ आपको स्टार्टिंग दिखा रहे हैं। जय भाई थोड़ा सा व्यू घुमा के दिखा दो। तो इस लोकेशन के बारे में ये बताएंगे दोस्तों कि ये जो मकान है बहुत पुराना है, तो साथ में रोड है जो थोड़ी सी दूर है, तो यहाँ से जो भी गुजरता है उसको काफ़ी कुछ यहाँ पर महसूस होता है। आप एक्टिविटीज़ कह सकते हैं या बाजे कह सकते हैं, ये बताएं भाई आप बताओ थोड़ी डिटेल। हाँ जी, ये जो घर है लगभग 10-12-15 एस्टिमेट है, लगभग इतने साल पुराना, इतने सालों से लगभग बंद पड़ा है। तो यहाँ पे जो रात के टाइम आने जाने वाले हैं उनसे ने को मिला है कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज होती रहती है। वो क्या एक्टिविटीज होती है उसकी छानबीन करने के लिए हम यहाँ पे आ चुके हैं और काफ़ी टाइम से हम यहाँ पर हैं। अभी हमने यहाँ पर थोड़ा विजिट भी किया है, घूमे भी हैं, मैं लाइव भी आया था, लाइव भी आए थे इसी लोकेशन पे और भाई ने व्लॉग भी बनाया है। ठीक है, और व्लॉग हमने पहले बनाया था और लोकेशन हम चेक कर रहे थे तो मैंने सोचा चलो दोस्तों के साथ शेयर करूँ कि लाइव भी आ जाऊँ। तो उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वीडियो में जो भाई की वीडियो है वो देख लेना आप। उस वीडियो में भी एक दो एक्टिविटी हमारे सामने आई थी, हुई है और बाकी जो फुल इन्वेस्टिगेशन है वो अपने अभी करते हैं इस वीडियो में। हाँ जी, तो देखते हैं क्या मिलता है हमें यहाँ पे। तो भाई यहाँ कुछ नहीं मिलता, दो बातें हैं। हाँ जी, तो जय भाई आइए सामने आप प्लीज। ये रूम आपको अंदर से हम दिखाएंगे दोस्तों, पीछे वाले साइड से जितना भी हो सकेगा, पहले आप देख लें। नुकीली झाड़ियाँ हैं दोस्तों, पेड़ पौधे काफ़ी हैं और यहाँ से अंदर जाना मुमकिन नहीं है। इस साइड भी है भाई, ये भी दिखा दो, इस साइड है। मैं बहुत पुरानी है भाई, ध्यान से आना, कांटे वगैरह ना लग जाए आपसे। कोई नहीं, बाकी इस साइड से चलते हैं दोस्तों लोकेशन की तरफ। लोकेशन भी पूरी ब्लॉक है, रास्ता जाने के लिए है नहीं। हाँ। ध्यान से जाना पड़ेगा हमें, ध्यान से जाए भाई, लगा तो नहीं कुछ कांटा नहीं, थोड़े बहुत लगे, कोई नहीं, चलो आप। ये सामने है और ये इस साइड है, इस साइड से हम जाएंगे अंदर, एंटर हो रहे हैं। जाने के लिए अंदर दोस्तों जगह जो है वो आपके सामने है। ये कांटे जो यहाँ पर पेड़ पौधे इनके काफ़ी तीखे नुकीले, बाकी आपके दुआएं प्यार साथ में है। तो आई आप आ जाएंगे, दिखाना
काफी पुरानी जगह है, आप अंदाजा लगा सकते हो वहां से। आपने छोड़ा ना हाथ से ये वाला, वो मेरे हाथ पे लग गया। चलो कोई बात नहीं, ये लोकेशन है दोस्तों, यहाँ से एंटर होती है अंदर, यहाँ से एंटर होते हैं, और ये शायद रूम होगा किसी टाइम, या मेरे ख्याल में बैठक कह सकते हो आप, एक प्रकार से बैठक कहते हैं जैसे अपने गांव में। तो ये आपके सामने है और सारी जगह अंदर है। आज ये जब पहले इधर से एंटर, इधर से दिखा दें आप ये वाली, इधर से दिखा दें, ऊपर का व्यू दिखा देना अच्छे से। आपको क्या लगता है भाई कितने साल पुरानी होगी भाई ये? बहुत पुरानी है, पहले इसको कोठे कहते थे, बहुत पुराने जमाने में जो ना कोठे बनाए जाते ये थे, ये बाले दी छत बोलते हैं पंजाबी से दोस्तों, ठीक है। और बहुत टाइम पुरानी ये बात है, जब पुराने टाइम में ऐसी छतें लगाई जाती, कम से कम भी 15-20 साल पुरानी मैं मानता हूँ इसको, क्योंकि दीमक लग चुकी है ऑलमोस्ट इनमें। दीवार भी ये कच्ची है, दीवार भी कच्ची है और लकड़ों में भी दीमक लग गई है। चलो इधर से ये दिखाना, ये दरख्त है इधर एक, इधर से फिर आप कवर करना, इधर से चलो बाहर से, इधर से हटो, ये पेड़ है दोस्तों अभी भी हरा भरा है, काफी पुराना है ये भी। ये सामने झाड़ियाँ हैं, इस साइड कमरे बने हुए हैं, ये जो बैठक थी इधर से आया, दिखाना भाई वहाँ वही है। और ये सामने इधर है, आपको दिखाते हैं ये क्या हुआ सोहन भाई, मुझे कुछ हलचल है आपके सुनाई दी, क्या हुआ आवाज? हाँ हाँ जैसे कुछ होता है ना, आपको सुनाई दी भाई? नहीं भाई मेरे को नहीं पता लगा, मुझे लगा ऐसे कुछ। जय भाई आपकी आवाज, या तबीयत खराब लग रही है? सही बात नहीं, मैं सही हूँ भाई। अच्छा मुझे आवाज, मतलब वो धीरे बोल रहा है? हाँ धीरे बोल रहा था, क्योंकि अपने सब्सक्राइबर कहते हैं ना कि भाई आप ही बोलते रहते हो, तो मैं कैमरे के पास होते हैं ना, तो उससे थोड़ी सी आवाज आपकी ज्यादा आती है। हाँ तो मैं बोलता ही नहीं इसलिए कैमरे में। दोस्तों ऐसी बात नहीं है, अगर हम बोलेंगे नहीं तो आपको डिटेल कैसे पता चलेगी, तभी मैं भाई से पूछ रहा था। और मेरा क्या तक कुछ गिरा है क्या भाई? लगा मुझे यार कुछ गिरा होता है। और मेरा क्या तक कुछ गिरा है क्या भाई? लगा मुझे यार कुछ गिरा होता है। मुझे आपको आवाज सुनाई दी? हाँ भाई आवाज भी सुनाई दी है, और ऐसा लगा है कि ऊपर से कुछ आया भी है, हो सकता है पक्षी हो सकता है भाई। लेकिन पक्षी नीचे नहीं आएगा यार, पक्षी भैया ऊपर के ऊपर ही उड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, भगवान का नाम लो, ये दिखाओ इधर, ये बाद में दिखाते हैं अपने, चलिए ये वाला रूम दिखा दो इससे। लाइट करो आपको यहाँ पर भी, देखो दोस्तों ये कांटे देखो इसके कितने तीखे हैं और बुरे हो रखे हैं। ये पंजाबी में बोल देते हैं पहाड़ी किकर, हाँ वैसे है पहाड़ी किकर बोलते हैं पंजाबी में, कांटे बहुत दिखे हैं हमें, जो लोग इसे पहचानते हैं उनको तो पता ही है कितनी खतरनाक होती है। ओए भाई बाहर से आवाज आई, बाहर से ओए भाई बाहर से आवाज आई, बाहर से ही
चलो कोई बात नहीं, यहाँ 15 इधर जो दिखा रहे हो वो लोकेशन दिखा देते हैं पहले पूरी। वो देखो ये पक्षी बैठा है। हाँ, मच्छर मच्छर ऊपर मत करना ज्यादा, क्योंकि जोड़ा बैठा है मेरे को लग रहा है, एक ये ना एक हो सकता है। चलो ये जाले देखो दोस्तों, आपको अंदाजा हो जाएगा कितनी पुरानी जगह अंदर आ जाओ, क्योंकि आवाज आई थी अभी पीछे ये अपने पुराने जमाने में बागड़ी में आले कहते थे इसे। वैसे अलमारी में अलमारी पंजाबी में भी आले ही बोलते थे। वैसे एक टाइप की अलमारी होती है दोस्तों ये, जो आपके सामने बनी हुई है। बहुत पुराना सिस्टम होता था ये, मतलब लोकेशन जो है आपके सामने है, नीचे का हाल देखो। मॉडर्न जमाने में अब इसको शोकेस कह देते हैं। और ये पुराना सामान, ये शायद हीटर का पड़े थे। हाँ हीटर है ये, वो पुराने जमाने वाला। तो बाकी दोस्तों कितना पुराना कमरा है आपके सामने, वगैरह लगी हुई है और यहाँ पर कोई कैसे रह सकता है। पर मेरे को ना थोड़ा सा शक पड़ता है स्वर्ण भाई, जय भाई, ये ऊपर शायद धुएं के लिए छोटा होगा ना। शायद मेरे को लगता है कि पशु वगैरह यहाँ पर आते हैं। हाँ, आपके टाइम पशु वगैरह यहाँ पर, ठंड है ना भाई, कोई बारिश में गर्मी में बचने के लिए ना। सामने कमरा है, अंदर चलते आ जाइए। ये मीटर लगे हुए हैं शायद। ये पुराना मीटर इधर आ जाओ, थोड़ा ध्यान से जाना गेट पे। दिखा दो अपनी कानून को, दिखा दो नाम से। काफी पुराना कमरा है और ये जो ऊपर छते हैं जो पुराने टाइम में लगती थी ये भी वही है, गाटर लगा हुआ ना, ये मिजाले भी वही। और काफी टाइम से यहाँ पर कोई आया नहीं है, नीचे के हालात आप देख सकते हो आपके सामने। और ये शायद किसी टाइम के बोर्ड पड़े हैं यहाँ पर, ये वाले काफी टाइम के पड़े हैं, ये वाले अच्छे बोर्ड पड़े हैं। बाकी दोस्तों हमने एक व्लॉग बनाया था अभी थोड़ी देर पहले भाई के साथ, रतनलाल के साथ, ध्यान से आना जस्सी भाई। एक दो हैपनिंग हुई है हमारे साथ, ध्यान से आना। ओहो, देखो बाहर आता हूँ, ऊपर आवाज आई है, ऊंची सी आवाज आई ऊपर। छिपकली ऊपर यहीं से आवाज आई है, जैसे इसके ऊपर ना कूदो कूदो। चलो दोस्तों ये जगह इतनी हॉन्टेड है कि मैं ऐसी जगह पर कभी विजिट नहीं किया। दरख्त ही दरख्त है, पेड़ ही पेड़ है, समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है। जब ये दिखाएं प्लीज आप ध्यान से, वो देख ऊपर वाला ये गिर रहा है यहाँ से, वो देखो थोड़ा थोड़ा
ओए भाई, अरे यहाँ पे कुत्ता भाई भाई, ओए भाई, अरे यहाँ पे कुत्ता भाई भाई, मेरे को खींचा किसी ने पीछे से यार। लगी तो नहीं भाई, एकदम से लगा जैसे इधर से कुछ। अरे मेरे साथ लगी तो नहीं भाई, ठीक हो? पीछे से खींचा यार, सांस एकदम बंद होगी मेरी। इस जगह पे खींचा है, इस जगह पे सही हो ना? देखना यार पीछे। वो तो छोटा भाई, ठीक हो ना आप? ठीक हूँ भाई, ठीक हूँ मैं। देखिए अगर यहाँ पर कोई है तो हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। अगर आप बिना एक आवाज है यहाँ से, अगर आप बिना नुकसान पहुंचाए हमारे सामने आ सकते हैं, कैमरे के सामने आ सकते हैं, तो प्लीज आए। आप व्यू लो भैया, ये दिखा रहे थे, क्या दिखा रहे थे भाई? वो दिखा रहे थे वहां से, वो दिखा दिया मैंने, ये पानी की टंकी और ये पानी की टंकी पड़ी है। यार शुक्र करो यहाँ पर मेरे को खींचा। अगर ये झाड़ी जुड़े के ऊपर देखना इसके कांटे यार, इस साइड के जबरदस्त कांटे हैं इसके, बहुत ज्यादा कांटे हैं ये। अगर ये लग जाए इसके ऊपर, गिर जाए, कोई भगवान ने बचाया यार, कितनी चोट लगे क्या भगवान जानते हैं। दोस्तों आपको बताया था पास रोड है, गूगल ट्रेन दिखाते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको आ जाइए, आप भी दिखाओ भाई। दो फोन है दोस्तों, 12:47 हो चुके हैं, ठीक है? और एक सेकंड नेट ऑन कर रहा हूँ, मेरा नेट बंद है। मैंने दिखा दिया भाई, 12:47 है। एक सेकंड भाई, बार बार आपको रीलोड करके दिखा रहे हैं। आ गया 12:47 भाई का। हाँ जी दोस्तों, 12:47 हो चुके हैं। जूम कर दो तो मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूँ। नहीं बस जूम कर दो। अरे भाई आ गया। तो दोस्तों लाइट बंद की थी, 12:47 हो चुके हैं इस जगह पे, ठीक है? जो गूगल टाइम है उस अनुसार हम मौजूद हैं 12:47 पे इस जगह पे। और एक दो आवाजें आई हैं और मेरे को किसी चीज ने यहाँ पर खींचा है, मुझे नहीं पता वो क्या है क्या नहीं है। नेट बंद कर रहे हैं दोबारा, ये दिखाई देगा? हाँ ये वाली, हाँ ये दिखानी है। ओए ये क्या था? ओए ये क्या था? ओ यार बड़ी कैसे दीवार गिर गई, वैसे हाँ। पूरी पूरी धड़क से पूरा एकदम से ना, कोई है क्या? कैमरे के सामने हुआ ना ये? हाँ जैसे ही अंदर पहला पैर रखा था मैंने, इतने में तो आवाज आई थी। ध्यान रखना कुछ ऊपर आपके, ध्यान से भाई, ध्यान से थोड़ा। पौधे इतने खतरनाक है, कोई भी सांप वगैरह को जानवर हो सकते हैं। शरीर ना मेरा खुद का काम पर है, मुझे भी थोड़ा सा ना हलचल अपने शरीर में फील हो रही है। आपको जो भाई, भाई मैंने जैसे ही पहला पैर रखा ना उस जगह में, इतने में हाँ उसमें यहाँ पे इतने में आवाज सी आई वो।
कोई है तो सामने आओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं नीचे एक तो ये गोबर पड़ा, देखो मैं आपको बता रहा था ना, मेरे भी जानवर आते हैं यहाँ पे। हाँ दोस्तों एक बात बताते हैं आपको, पहले इसका भी तो बहुत ही डरावना आ रहा है। छते हैं जो मकान की इतनी पुरानी है कि उसके ऊपर घास उग गई है। जय भाई दिखाओ भाई ऊपर, ऊपर देखो ये आपके सामने है, इस साइड भी दिखाना है वो देखो इधर पे। पीछे भाई यहाँ पे बार बार आवाज आ रही है। पीछे भाई यहाँ पे बार बार आवाज आ रही है, जैसे कोई चला हो। हाँ इसी रूम में की साइड से आई, पहले भी यहीं पे आई थी। ये भाई रूम नहीं है ये, कुछ भी जो भी बाथरूम वगैरह शायद कुछ भी है। आई थिंक मेरे को लग रहा है कि बाथरूम ही है। हाँ। तो टॉयलेट उस साइड, टॉयलेट उधर है तो ये बाथरूम होना चाहिए मेरे हिसाब से भी। बाकी स्वर्ण भाई यहाँ की कोई एग्जैक्ट आपको स्टोरी पता है जो यहाँ पे हुआ है, क्यों ऐसे? एग्जैक्ट स्टोरी तो मैं आपको कुछ मेरे सुनने में नहीं आई है, मतलब बस एक्टिविटीज नहीं हुई है पहले यहाँ पे। क्या हुआ है, क्या हैपनिंग हुई है पहले, वो कुछ भी यहाँ पे सुनने को नहीं मिली मुझे। जो यहाँ पे अड़ोस पड़ोस से गुजरते है ना, तो उनसे बस यही कि यहाँ पे हलचले होती रहती है। मतलब काफी टाइम से जगह वीरान है, वीरान भी है, और मतलब कि यहाँ पर ये शायद परिंदे और कुछ ना कुछ यहाँ पर ना ऐसा लगता है कि कोई मौजूद है, कोई आवाजें आती हैं। मेन ये बात है, लगभग 1 बजे का टाइम हो चुका है रात के। हाँ हो चुका है। इसका व्यू देखते हैं, क्या हुआ? अरे मैंने यहाँ पे खड़ा देखा कोई, यहाँ पे इस जगह पे परमात्मा की ध्यान से, ध्यान से यार, मैंने यहाँ पर किसी को खड़ा देखा है, यहाँ पर इस जगह पे। ये मजाक नहीं हो, कोई आवाज है हल्की सी, ये मजाक नहीं हो, कोई आवाज है हल्की सी छत पर। भाई कसम लगे यहाँ से मैंने भी किस चीज को जाते देखा है। कहाँ से? यहाँ से कैमरे के सामने। हाँ मतलब मेरे, मतलब कैमरे का व्यू तो आप लोगों की तरफ था, मेरी आंख से व्यू के अंदर ना यहाँ से कोई चीज आई है और इस तरफ निकली है, काली चीज, काला साया। नहीं नहीं भाई साया, लेकिन अभी पक्षियों की आवाज भी आ रही है। दोस्तों जो कैमरे की लाइट थी उसकी बैटरी लो हो गई थी, अभी चेंज किया है, उसके बाद दोबारा शूट शुरू किया है। बाकी सारी लोकेशन आपके सामने है, एक बार भाई लोकेशन दोबारा घूम ले। हाँ जो लोकेशन का विजिट है, मतलब जो लोकेशन सारी है दोबारा घूम लेते हैं। इस बार बाहर से शुरू, बाहर से तो आए हैं, अंदर से शुरू करते हैं। हाँ वो कोने से शुरू करते हैं। मैंने देखा नहीं, आपने देखा क्या? ये टॉयलेट है। पूरे अंदर गिरिया, अंदर पूरे अंदर गिरिया, अंदर मेरे सामने गिरा यार ये। वो कैमरे में तो मुझे लगता नहीं रिकॉर्ड हुआ है। नहीं बार बार मैं बाहर की तरफ आ रहा था, कांटों से बच गया भगवान। दोस्तों कांटे भी बहुत है, तो नीचे कीड़े भी है वहां पे, ध्यान से वो देखो वहां पे बहुत कीड़े हैं भाई। मेरे को इस बाथरूम में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और वाइब्स ऐसे आ रही है, क्योंकि इसके 3-4 बार हो चुका है।
देखिए अगर इस बाथरूम में या इस जगह में कोई भी है, ठीक है दोस्तों, हरकतें बढ़ती जा रही हैं, तो क्या आप हमारे सामने आ सकते हैं किसी भी रूप में किसी भी शक्ल में? कई हमारे दोस्त बोलते हैं कि जैसे मैं कैमरे के सामने हूँ और हमारे जय भाई शूट कर रहे हैं और मेरे भाई दूसरे आ नहीं पाया आगे क्योंकि थोड़ी जगह कम है। कई दोस्त बोलते हैं, मुझे कई बार हंसी आ जाती है कि आपके पीछे से ना किसी ने ये कर दिया होगा। दोस्तों आप बराड़ साहब अंदर आयो, साढ़े बराड़ साढ़े इतने आंदे बराड़ साहब आ गए। अब दोस्तों आप बताओ, अगर हम दोनों यहाँ खड़े हो जाएंगे, हम कहेंगे ये लोकेशन है, आपको क्या दिखेगा? तो इसलिए या तो मैं आगे आता हूँ या भाई आगे आते हैं या कोई भी हमारे साथ है, जगह बहुत कम है। हाँ, चाहे रूम हो दोस्तों, हम फिर भी ना अगर हम दो खड़े हैं सामने तो काफी जगह पीछे से ब्लॉक होती है। तो बराड साहब थोड़ा साइड से आयो, अगर कोई भी है मैं फिर पूछ रहा हूँ। पांच गिरा भाई ऊपर से सामने कैमरे के। अगर कोई भी है मैं फिर पूछ रहा हूँ साहब, पांच गिरा भाई ऊपर से सामने कैमरे के। जैसे ही बराड साहब बाहर आने लगे ना ऊपर से यार, देखिए आप कोई भी है यहाँ पर, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, किसी भी रूम में किसी भी शक्ल में आप सामने आए, हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हम प्यार की नीयत से आए हैं, आपसे बात करने आए। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप बेझिझक किसी दिक्कत के हमारे सामने आ सकते हैं, अपनी परेशानी जाहिर कर सकते हैं। कई दोस्त कमेंट करते हैं क्या जिदन थोड़े सामने भूत आ गया ना तुम खड़ना नहीं, इन्हें सब तो बड़ा परमात्मा है, सबसे बड़ा भगवान है। बाकी हमने बहुत कुछ देखा है, ये बात मत रात एक बजे आना कोई मामूली बात नहीं होती भाई। अब या तो आप उधर की तरफ जाओ या मैं पीछे हूँ, क्योंकि जगह कम है और फिर सब्सक्राइबर्स कहेंगे कि आप एक साथ नहीं रहते। आप यू लो भाई, जैसी भाई ये लोकेशन तो ना कैसी अपने जैसी भाई ये लोकेशन तो ना कैसी अपने ध्यान से भाई, भाई ध्यान से नहीं एवं कभी डिग गया है भाई, किसी ने खींचा यार, यार पूरी दीवार ही ढह गई है, इतनी जोर से धक्का था।